हेलो फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय मैं नॉर्थ गोवा के बहुत फेमस बीच कालंगुट में हूं। देखो यहां पर लोग बाहर बैठ के खाना भी खा रहे हैं। मौसम अभी 5 मिनट पहले धूप थी और अब ऐसा हो गया कि जैसे अगले 5 मिनट में बरसात हो जाएगी। इस समय मैं घूमने जाने से पहले सामने अंदर जा रहा हूँ। यहाँ मैंने दो चीज मंगाई है, क्रैब शाकूती। आप देखो इसको सर्व करने का क्या अंदाज है। ये कंटेनर मटका है और इस तरीके से इसको सर्व किया गया है, क्रैब कुक्ड इन शाकूती मसाला। ये जो आप ब्रेड साथ में देख रहे हैं इसको बोलते हैं पोई, इसको बोलते हैं कातरेचे पाव। कातरेचे पाव में मैदा भी रहता है और गेहूं का आटा भी रहता है। इसमें मोस्टली गेहूं का आटा रहता है। पहली बात तो ये है, जो क्रैब यहाँ पर आप ये देख रहे हो ये है मड क्रैब। मैंने चेन्नई और महाबलीपुरम में भी क्रैब खाया था। जो महाबलीपुरम में खाया था वो था सी क्रैब। तो दोनों के ना टेस्ट में फ़र्क है। ऑब्वियसली शाकूती मसाला तो मेरे को इधर आके ही एक्सपीरियंस हो रहा है। सबसे पहले मैं ज़रा ये ग्रेवी टेस्ट करना चाहता हूँ। चिली स्लाइट लेवल पे फील हो रही है क्योंकि इसके अंदर दो तरह की मिर्च इस्तेमाल की गई है, कश्मीरी मिर्च और गोवन रेड चिल्ली, जो साइज़ में थोड़ी छोटी है, जो स्पाइस उसमें ज़्यादा रहता है। मैंने वेज में भी शाकूती मसाला टेस्ट किया था लेकिन उसके अंदर तीखा कम था। यहाँ हल्का हल्का तीखा फील हो रहा है ग्रेवी में। वैसे मड क्रैब थोड़ा सा इसका शेल ज़्यादा हार्ड रहता है सी क्रैब के मुकाबले में, लेकिन मैंने नोटिस किया लास्ट एक्सपीरियंस में भी कि मड क्रैब का टेस्ट थोड़ा मेरे को ज्यादा अच्छा लगा था। दिस इज द मीट, वेरी वेरी सॉफ्ट, बट यस, अगर सी क्रैब से कंपेयर करेंगे तो सी क्रैब का इससे भी ज्यादा सॉफ्ट मीट रहता है। ये उतना सॉफ्ट नहीं है, बट यस अब क्रैब मीट तो वैसे सपोज टू बी सॉफ्ट ओनली। बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये जो पोई और गोवन पाव है ना, ये मैं जहाँ जहाँ जाके खा रहा हूँ ना, बड़ा मज़ा आ रहा है मेरे को। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारा ये एज ए लंच डिनर स्नैक्स जैसा मन करे वैसे खाओ, बट मज़ेदार। यहाँ आने के बाद मैंने शाकूती मसाला को और डिटेल में समझने के लिए इनसे समझा और 18 तरह के मसाले इस्तेमाल होते हैं इस ग्रेवी को तैयार करने के लिए। अब ये सब चीज़ों का कंबाइंड फ्लेवर आता है और मेन जो टेस्ट सबसे पहले आपको फील होगा वो हमेशा कोकोनट का होगा क्योंकि इसका बेस कोकोनट है। ये बड़ा पुराना रेस्टोरेंट है, मैंने बाहर देखा, इन्होंने लिखा हुआ है सिंस 1932। सब लोग गोवा में जानते हैं, अगर आप बोलोगे तो आपको गाइड कर देंगे। इस जगह ना एक चार्म और है, यहाँ बैठ के आप सामने सी व्यू इंजॉय करो, लोग इंजॉय कर रहे हैं आप भी इंजॉय करो और इस तरह का फूड को वेरी नाइस। अभी ये डिफरेंट पीस मैंने लिया, इसको हमको धीरे धीरे छोटा छोटा मीट पीसेस निकालने होंगे। बाहर का नज़ारा मैं बार बार मुड़ मुड़ के देखने की कोशिश कर रहा हूँ। शाम के समय या लेट इवनिंग में मैं दोबारा यहाँ पर आऊँगा देखने के लिए कालंगुट बीच का व्यू रात में कैसा होता है। कालंगुट बीच में आप देखो कितनी चहल पहल है। साउथ गोवा के बीचेस में तो क्राउड बहुत कम था लेकिन यहाँ तो जैसे मेला लगा हुआ है जबकि ऑफ सीजन है। शाम को सूरज ढलने के बाद मैं दोबारा आऊँगा यहाँ पर देखने के लिए। फिलहाल सी बीच इंजॉय करते हैं। पानी की लहरें आप देखो कितनी तेज़ स्पीड पे आ रही हैं। इस समय मानसून टाइम है तो यहाँ लाइफ गार्ड खड़े होते हैं जो लोगों को आगे जाने के अलाउ नहीं करते बिकॉज इट्स नॉट सेफ। कालंगुट बीच के बाहर ही शॉपिंग एरिया भी है।
एक घंटा डेढ़ घंटा यहाँ पर आसानी से स्पेंड किया जा सकता है। कुछ ख़रीद लीजिए, अपने घर के लिए कुछ लेके जाना है तो लेके भी जा सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस जाने के लिए टैक्सी चाहिए तो बीच के बाहर टैक्सी स्टैंड भी है। ओवरऑल गुड, ये बीच एरिया भी अच्छा है और बाहर का शॉपिंग एरिया भी अच्छा है। ₹250 और ₹90। कलंगूट से 5 किलोमीटर का सफर करके हम पहुंच रहे हैं सालीगांव। खाने के लिए चिकन काफ्रियाल एट फ्लोरेंटाइन, बहुत तारीफ है इस जगह की चिकन काफ्रियाल के लिए। सामने चिकन काफ्रियाल आ भी चुका है, साथ में जो आप ये बन देख रहे हैं, ये बन को बोलते हैं पोई, गेहूं के आटे से तैयार किया जाता है। आप देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये होल चिकन है। अब इसका रंग है हरा। आम तौर पे इसको बनाने में धनिया का इस्तेमाल होता है एज अ बेस, लेकिन इस जगह में डिफरेंट क्या है, ये लोग धनिया इस्तेमाल नहीं करते। ऊपर आप देखो ये मसाले की लेयर, ये देखिए किस तरह से ये लेयर बार आ रही है। ये काफ्रियाल मसाला है जिसको इस्तेमाल करने के लिए 7 से 10 चीज़ें इस्तेमाल में आती हैं। मेरा श्योरली पहला एक्सपीरियंस है, क्योंकि गोवा में ये मसाला से बना हुआ चिकन बहुत पॉपुलर है। एक्चुअली में ये पोर्चुगीज डिश है। क्या टेस्ट है, नेवर बिफोर एक्सपीरियंस चिकन की प्रिपरेशन के अंदर इतना जबरदस्त टेस्ट है इस काफ्रियाल मसाले का। चिकन देखिए आप, काफी ज्यादा टेंडर है। चिकन काफ्रियाल लोग इतना पसंद करते हैं कि ग्रेवी भी साथ में मिलती है, और मैंने ग्रेवी आने से पहले ही खाना शुरू कर दिया था। ये ऐसे है ग्रेवी। क्या टेस्ट है, काफ्रियाल मसाले में जो सबसे पहले चीज हाईलाइट हो रही है ना, वो है ग्रीन चिली, दालचीनी, लौंग और जीरे का फ्लेवर। ये 4-5 चीजें तो तुरंत निकल के सामने आ रही हैं इस कॉम्बिनेशन के अंदर। और ये मसाला एकदम डिफरेंट है और बहुत ही ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल टेस्ट है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, बिना धनिए के। अब आप नोटिस करो, ये चिकन की जो स्किन साइड है, यहाँ पर मसाले की लेयरिंग कैसी है और यहाँ पर कैसी है, यानी कि मसाले की जो लेयरिंग है वो एक तरफ है, मसाला हालांकि दोनों तरफ है, लेकिन इस तरह की थिक लेयरिंग। पैन में फ्राई किया गया, इसको मैरिनेट करने के बाद इसको 6 से 8 घंटे के लिए फ्रीजर में रखते हैं एक फिक्स टेम्परेचर में, उसके बाद इसको पैन में फ्राई करके तैयार करते हैं कम ऑयल के अंदर। इतना अमेजिंग टेस्ट है इस चिकन काफ्रियाल का कि मेरे सामने 2 नींबू के छोटे कट पीसेस पड़े हुए हैं, मेरे को बिल्कुल मन नहीं हो रहा कि मैं इसमें डालूं। और देखो ये पानी का ग्लास पड़ा हुआ है, मैंने पानी पीने का मन भी नहीं हो रहा, इतना टेस्टी है। तो नाइस टेस्ट, ट्रेडिशनल ऑथेंटिक, और ये वापस आ गया मसाले की लेयर जो ऊपर है, ये ऐसा है, दिस इज मसाला, परफेक्ट टेस्ट।
आप जो इस समय देख रहे हैं ये है अंजुना बीच, सुबह 10:30 बजे का नज़ारा। हवा देखो यहाँ पर कितनी तेज चल रही है, दूर दूर तक समुद्र दिखाई दे रहा है, पेड़ हवा में झूलते हुए, पानी का प्रेशर, इतने सारे रॉक्स, बहुत खूबसूरत। वैसे मुझे यहाँ खड़े होकर लग रहा है मैं थोड़ी गलत जगह खड़ा हूँ, क्योंकि ऊपर नारियल का पेड़ है, गलती से अगर नीचे गिर गया तो। यहाँ तो हर तरफ नारियल ही नारियल है, मतलब गोवा में एवरीवेयर, वेरी गुड टू बी हियर एट दिस प्लेस। जहाँ पर हम खड़े थे वहाँ से आधा किलोमीटर और आगे आएंगे तो आप पहुँचेंगे अंजुना बीच की सैंड साइड। इस समय हम पहुँच चुके हैं, यहाँ पर मेरे को ज़्यादा लोग दिख रहे हैं उस जगह के मुकाबले में। गुड, दोनों जगह देख ली। साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा की अभी तक की सारी जर्नी हमने बाइक पर करी है, बहुत फन है गोवा में टू व्हीलर चलाना। अंजुना बीच से वैगाटोर बीच लगभग 3 किलोमीटर दूर है। अभी तक जो हमने साउथ और नॉर्थ गोवा में सी बीचेस देखे उनके मुकाबले में ये व्यू एकदम डिफरेंट है। हाइट से इस तरह से खूबसूरत बीच व्यू, सुपर्ब एक्सपीरियंस। इस तरह से सी का रॉक से टकराना, बहुत मज़ा आ रहा है इस तरह का नज़ारा देखकर। दूर दूर तक समुद्र, यहाँ आकर तो बस ऐसा लगता है बैठ जाओ 2 से 3 घंटे के लिए और कुदरत के इस नज़ारे को बहुत इंजॉय करो। वैगाटोर बीच की एक साइड वो भी है, काफ़ी अच्छा लग रहा है इस तरह से हाइट पर खड़े होकर सी व्यू देखना। सी बीच साइड यहाँ से लगभग 1/2 किलोमीटर दूर है। आधा घंटा वैगाटोर बीच पर रुककर हम चले छपोड़ा फोर्ट के लिए, नज़दीक में ही है, 15 से 20 मिनट लगेंगे यहाँ से पैदल पहुँचने में। थोड़ा स्टीप है, फ्रेश एयर, प्लेजेंट एक्सपीरियंस, थोड़ा सा कच्चा रास्ता, अच्छा लग रहा है इस रास्ते पर चलना। ये रास्ता स्टीप तो है, लगभग 600 मीटर अपहिल, थोड़ा चलो थोड़ा रुको, साथ साथ व्यू एंजॉय करो। मिडवे पहुंचकर जब पीछे देखा कितना खूबसूरत नज़ारा, एक तरफ समुद्र, दूसरी तरफ काफ़ी सारी ग्रीनरी। इस फोर्ट पर राज किया पोर्चुगीज, अकबर और मराठाज ने। इस जगह लोग साइटसीइंग करने आते हैं, यहां पर दिल चाहता है फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। फोर्ट पर पहुंचकर जैसे ही हमने बाहर की तरफ सी व्यू का नजारा देखा, बहुत ही खूबसूरत। ये बात तो कंफर्म है, नॉर्थ या साउथ गोवा में हमने इतना खूबसूरत सीनिक व्यू कहीं नहीं देखा। दिस इज टू गुड, ऐसा लग रहा है हम किसी हेलीकॉप्टर से इस तरह का व्यू देख रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा यहाँ पर आकर जब आप 2 से 3 घंटे का समय स्पेंड कर लोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये 3 घंटे का समय पल भर में गुजर गया, पता भी नहीं चला, क्योंकि नजारा ही इतना खूबसूरत है। राइट साइड पे आप जो सी बीच देख रहे हैं वो है मॉर्जिम। बाय रोड जाएंगे तो लगभग 10 किलोमीटर। मॉर्जिम बीच से अगर आप आगे ध्यान से देखें तो आपको जो आधा सी बीच दिखाई दे रहा है वो है अश्विम बीच। मॉर्जिम बीच से अश्विम बीच लगभग 3 किलोमीटर दूर है। अगर हम लेफ्ट की ओर देखेंगे तो वहां पर भी 2 सी बीचेस हैं। वैगाटोर बीच से तो अभी हम आए और उसके आगे अंजुना बीच जो यहां से आधा दिखाई दे रहा है। मैं वापस बोल रहा हूं, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है यहां से सी व्यू देखना। यहां पर दिल चाहता है फिल्म की शूटिंग हुई, काफी टूरिस्ट यहां पर इस अट्रैक्शन से भी आते हैं। मेरी रिकमेंडेशन में अगर आप गोवा आते हैं तो आपको यहां पर जरूर आना चाहिए, आप भी खूब इंजॉय करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शाम के समय यहाँ पर आके सनसेट व्यू देखना कैसा रहेगा? मुझे लगता है बहुत खूबसूरत आएगा यहाँ से सनसेट व्यू। वैसे बाहर बोर्ड लगा हुआ है शाम को 5 बजे के बाद फोर्ट के अंदर एंट्री अलाउड नहीं है। बॉटम लाइन, ग्रेट एक्सपीरियंस टू बी एट दिस प्लेस। बीच साइड में इस तरह से खड़े होना
और ऐसे लहर आती है और आपके नीचे की मिट्टी डिस्प्लेस हो जाती है। बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस समय हम बागा बीच में। बागा बीच पर ब्रिटोस बहुत फेमस सी फूड रेस्टोरेंट है, गोवन फूड भी सर्व करते हैं। मैंने अपने लिए दो चीज़ मंगाई है। सामने जो आप देख रहे हैं ये तो प्लेटर है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले मसल्स, वाइट वाइन सॉस होने से हल्की हल्की बिटरनेस की फीलिंग आ रही है, विच इज गुड, मतलब उसका अपना टेस्ट है। ये जो आप देख रहे हैं ये सुरमई फिश का फिले है, तो इसके इन्होंने प्लेटर में दो पीस दिए हैं। पीछे से देखिए ऑटोमेटिकली मीट ब्रेक हो गया। ब्रिलियंट प्रिपरेशन, इसके अंदर जो सबसे बेहतर टेस्ट आ रहा है ऑब्वियसली लिटिल बिट बटर और उसके ऊपर ब्लैक पेपर। बाहर मैंने देखा ये कैच ऑफ द डे करके भी सेल करते हैं, तो सिंस दिस इज अ वेरी फेमस रेस्टोरेंट तो आई वाज टोल्ड कि यहाँ पर आपको सारा सी फूड एब्सोल्युटली फ्रेश मिलेगा। लेमन और गार्लिक का भी गुड कॉम्बिनेशन, अमेजिंगली सॉफ्ट। ये प्लेटर के अंदर जो आप देख रहे हैं ये बेक्ड क्रैब है, अंदर इन्होंने इसको इस तरीके से स्टफ करके शेल में डाल दिया। बेक्ड क्रैब इस तरह से खाना मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है। क्रैब का मीट तो वैसे भी बहुत सॉफ्ट होता है, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा मेरे को चीजी फ्लेवर एंजॉय करने को मिल रहा है। जस्ट लुक एट द मीट, क्रैब के मीट में हल्की हल्की सी स्वीटनेस रहती है और मीट तो बहुत सॉफ्ट होता है। ये है बटर गार्लिक कलामारी, साथ में उसकी डिप। कलामारी मेरे लिए सेकंड एक्सपीरियंस है, मैंने महाबलीपुरम में पिछली बारी खाया था, आज से लगभग 5 महीना हो गया, वहां भी इंजॉय किया था और यहां पर भी इंजॉय कर रहा हूं। तो एज द नेम गोज बटर गार्लिक मींस बटर भी है और गार्लिक भी है, और डिप करके खाने का मजा ज्यादा आ रहा है। प्लेटर मंगाने से वैरायटी आ गई सी फूड की एक ही प्लेट के अंदर। ये जो आप देख रहे हो ना सामने, ये इतनी सारी मेयोनीज है प्रॉन्स के साथ, समथिंग मोर देन मेयोनीज, क्योंकि एग्जैक्टली मेयोनीज का टेस्ट नहीं है, लेकिन मेयोनीज श्योरली इज वन ऑफ द सॉस। बहुत बढ़िया, मैंने सब कुछ खा लिया, मेरे को इसके अंदर अच्छा तो सब कुछ लगा, लेकिन मेरे जो टॉप पर्सनल 3 लगे हैं ना, ये वाला चीज कॉकटेल प्रॉन्स नंबर 1, उसी के साथ साथ मेरे को ये क्रैब अच्छा लगा और कलामारी भी बहुत पसंद आया, तो इन अवे सब कुछ ही पसंद आया। अब मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि गोवा से मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ का सी फूड मिस कर दूँ, जिसका नाम है प्रॉन बालचाओ, तो मैंने वो भी अपने लिए मंगा लिया है जो इस प्लेट में पड़ा है। मैं ख़त्म करने के बाद उसको खाता हूँ और आपको बताता हूँ कैसा टेस्ट है। प्रॉन बालचाओ का आप टेक्सचर देखो, जितना मैंने इसके बारे में सुना था ना कि आप देखोगे तो आपको बहुत टेम्पटिंग लगेगा, ऑलमोस्ट वैसा ही फील आ रहा है। अच्छी खासी ग्रेवी ऊपर दिखाई दे रही है, या आई कैन टेक दिस पीस। सर्व करते समय ये टेल नहीं निकालते, तो आई एम होल्डिंग दिस विद द टेल। ओह एकदम डिफरेंट टेस्ट है। प्लेटर में जो मैंने खाया उसके जो मसाले थे ना वो अलग किस्म के थे, क्योंकि उसके अंदर रेड चिल्ली का इस्तेमाल किसी चीज में भी नहीं था। यहाँ पर टोटली जो फ्लेवर डोमिनेट कर रहा है वो है कश्मीरी मिर्च, जो कि रेड चिल्ली का पेस्ट है, उसमें खटास आ रही है। आप जानते हो गोवा का जो लोकल विनेगर है ना, अमेजिंग टेस्ट दे रहा है ये रेड चिल्ली के साथ मिलकर।
मेरे साथ ये मैनेजर हैं यहाँ के। दोस्त एक चीज़ बताओ, ये बड़ा मेरे को अच्छा लगा क्योंकि इसमें चिल्ली ये भी है और आपका वो भी रहेगा गोवन विनेगर, तो इतना उसके अलावा क्या चीज़ है जो बड़ा टेस्ट अच्छा दे रहा है? ये बड़ी इम्पोर्टेंट, थैंक यू, बड़ी इन्होंने अच्छी इम्पोर्टेंट, बड़ी इन्होंने अच्छी बात बताई है कि आप ये कड़ी लीव्स भी हैं इसके अंदर, कड़ी पत्ता, और साथ में इसमें ड्राई प्रॉन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से टेस्ट थैंक्स। बागा बीच साइड पे यहाँ पर बैठना अपने आप में अमेजिंग एक्सपीरियंस है, इस तरह से सी फूड इंजॉय करना। अब हम इसको धीरे धीरे ख़त्म करते हैं। बताइए अगर आपके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं नॉर्थ गोवा सी फूड से जुड़े हुए, तो हमेशा की तरह मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट्स का। दैट्स इट, थैंक्स फॉर योर टाइम।